नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। इंडिया न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की। वो महत्वपूर्ण मुद्दा है आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक सड़कों पर उतरे, उनको नज़रबंद कर दिया गया। उन्होंने तमाम ऐसी मांगों को लेकर प्रदर्शन की घोषणा की थी, प्रदर्शन का ऐलान किया था कि जो महंगाई है वो चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और इसके खिलाफ वो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति तक जाएंगे और उसको उसमें धरना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तमाम नेता नज़रबंद कर दिए गए। इसके अलावा जो बाकी नेता थे और पार्टी के समर्थक थे उनको इको गार्डन भेज दिया गया। ये पूरा का पूरा सियासी संग्राम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला। इसके बाद सियासत भी तेज हो गई। सभी दल अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये तो तानाशाही है कि हमें प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए सरकार के खिलाफ बोलने वालों को निशाने में लिया। चाहते हैं कि सत्र बड़ा हो, जनता के मुद्दे सामने आए और उस पर सरकार जवाब दे। लेकिन हम शांत रूप से धरना दे जा रहे थे, लेकिन आज सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। ये देखिए, ये घोषित इमरजेंसी है, ये सरकार डर गई है, जनता की समस्याओं पे बात नहीं करना चाहती है, जनता की समस्याओं को सुनना नहीं चाहती है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, निश्चित रूप से हाउस शुरू होने वाला है, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। अगर समाजवादी पार्टी को कोई भी किसी भी विषय पे, जनता के विषय को, प्रदेश के विषय को, आम जो शिकायत हो रखने का पूरा अवसर मिलेगा। विधिवत उसकी परंपरा व्यवस्था सब व्यवस्थित रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, सभापति जी से अपना विधिवत नोटिस दें, अपनी बात रखें। विधानसभा का सत्र है, विधानमंडल का, और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, जनता से जुड़े विषयों को ध्यान आकर्षित करने का सबसे अच्छा मंच है। सदन में हम लोगों को चुन के भेजा, उन्हें वहाँ बात रखनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी का अराजकता का इतिहास है और वो अपने इतिहास को दोहरा। तो आपने रिएक्शन सुने समाजवादी पार्टी के और बीजेपी के बड़े नेताओं के, उनका अपना अपना रुख था। और इसी रुख के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए और इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए हम सीधे रुख करते हैं रविदास मेहरोत्रा जी का। मेहरोत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, आज का जो आपका प्रदर्शन था वो किन मुद्दों को लेकर था? और जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि अगर आपको अपने मुद्दों को रखना था तो विधानसभा का जो सत्र है उससे बड़ा तो कोई मंच ही नहीं हो सकता। श्रेय शुक्ला जी, जी प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। दमन और जुल्म तानाशाही से सरकार चलाई जा रही है, जनता की आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। हम लोग आज ये मांग करने वाले थे कि जो सरकार ने दूध पर, दही पर, आटा, दाल और चावल पर GST लगाने का काम किया है, वो सरकार जो है वो दूध, दही, आटा, चावल, दाल के ऊपर से GST हटाने का काम करे। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता पूरी तरह परेशान है, जनता का जीवन दुभर हो गया है। और हम लोग ये चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र लंबा हो ताकि जनता की समस्याएं उसमें आए और जनता को मालूम हो कि सरकार जो है किस तरीके से करप्शन में लिप्त है। आज अस्पतालों में दवा नहीं मिल रही है, स्कूलों में न कुर्सी है, न मेज है, न बिजली है, न शौचालय है, न कोई पढ़ाई की व्यवस्था है। और ये सरकार जो है सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। पिछले 5 महीने के अंदर ही जनता का इस सरकार से मोह भंग हो गया है, इसलिए अब ये सरकार जनता की आवाज़ को दमन से, तानाशाही से दबाना चाहती है। हम लोगों का, विधायकों का केवल आज धरना था, लेकिन पूरे प्रदेश में सारे विधायकों को उनके घर के अंदर बलपूर्वक
जो है वो अंदर हाउस अरेस्ट करने का काम किया। हम लोग जब अपने घर से आज बाहर निकलने रहे थे तो भारी पुलिस बल ने हमको धक्का दे करके ये कहा कि आप अपने घर से बाहर निकल सकते नहीं हैं। तो इस तरीके से आज प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई है। आज जो जनता के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं, आज विपक्ष को ये अधिकार है कि वो जनता के मुद्दों को लेकर के सरकार के सामने रखे, लेकिन सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे हम दुश्मन हैं। हम विपक्ष में हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं, लेकिन सरकार दुश्मनों ऐसा व्यवहार करने का काम कर रही है। हमको जनता ने चुना है और हम विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार दमन जुल्म और तानाशाही से हम लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है। आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में सरकार ने दमन जुल्म करने का काम किया है, उसकी कोई इससे पहले की मिसाल नहीं मिलती कि सारे विधायकों को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनके घरों में जबरदस्ती बलपूर्वक बंद करने का सरकार ने काम किया है। हम इस सरकार के खिलाफ सड़क से लेके और विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। आज जनता महंगाई से बुरी तरह परेशान है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, जनता का जीवन दुबर हो गया है और ये सरकार जो है उसको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। ये केवल जो है वो सरकार दमन के माध्यम से जनता की और विरोध पक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है। हमको कोई भी सरकार लाठी से, गोली से, जेल से, दमन से दबा नहीं सकती है। हम सरकार के हर दमन हर जुर्म का मुकाबला करने का काम करेंगे। हम इनकी जेलों से डरते नहीं हैं, न डरते हैं इनकी लाठियों से। हम जनता पर होने वाले हर जुर्म को उठाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा का सत्र हम चाहते हैं बड़ा हो ताकि वहां पर जनता की पूरी बात रख पाए। आज अस्पतालों में दवाएं नहीं है और एक और रविदास जी आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं पहले, फिर आएंगे हम आपके पास। रविदास जी आपने तमाम आरोप लगाए उनका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि सरकार की दमनकारी नीति थी, तानाशाही थी और नमस्कार हर एक व्यक्ति को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार से भी आपने उनको वंचित रखा। निश्चित तौर पर श्री जी, मैं किसी भी भारत के नागरिक को अपनी असहमति को व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन वसीम बरेलवी जी का एक पुराना शेर है कि कब कौन सी बात कैसे कही जाए, सलीके से कही जाए तो हर बात सुनी जाए। लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने के लिए हाई कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि आम जनजीवन को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में एक स्थान तय किया गया है, कासीराम इको गार्डन, जहां पर जाकर के आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके विधान भवन के इर्द गिर्द कैसे ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया जा सके, कैसे आम जनजीवन को परेशान किया जा सके, ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। लेकिन सच्चाई है, रविदास जी तो बहुत सीनियर लीडर है और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रता रहे हैं, पुराने समाजवादी नेता हैं, हम रविदास जी को जानते हैं। रविदास जी उस कालखंड में भी आंदोलन करते रहे जब मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया होते थे और कैसे एक पूरे जनसैलाब उमड़ता था जब समाजवादी पार्टी आह्वान करती थी, लेकिन आज मुट्ठी भर कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं कर पाए और वो कार्यकर्ता जानबूझ करके हजरतगंज चौराहे पर आकर के विधान भवन के सामने ट्रैफिक को डिस्टर्ब करना चाहते थे। ये बिल्कुल अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट की स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि आप किसी भी तरह से सामान्य जनजीवन को डिस्टर्ब नहीं होने दे सकते हैं। हम सरकार फिर कह रही है आप अनुमति लीजिए, आप प्रदर्शन करना चाहते हैं प्रदर्शन की अनुमति लीजिए, प्रदर्शन जाकर के करिए, कोई नहीं रोक रहा है। जन समर्थन आपके साथ जुटेगा तब आप जाएंगे ना। सच्चाई ये है कि कासीराम इको गार्डन में जाने के लिए गेट पर उनको पार कर सके इतने ही मुट्ठी भर कार्यकर्ता नहीं है। अपने पार्टी दफ्तर से निकले, वहीं हल्ला गुल्ला किया और फिर वापस पार्टी ऑफिस में चले गए। और मुझे तो यह भी जानकारी है कि कल समाजवादी पार्टी पहले एक मार्च निकालने वाली थी और यह डर के कारण केवल कि आज लोग नहीं जुटा पाए तो इन्होंने कल का मार्च भी स्थगित कर देने का काम किया है। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी के अंदर अब यह कुव्वत नहीं बची है कि वो जनता के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर आ सके। अब बात कर लेते हैं मुद्दों की।
सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस तरह से हमने सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन किए हैं, हमने सहजता से सरलता से सरकार उनके दरवाजे तक पहुंचाई है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने का मसला हो। याद करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 17,000 प्रधानमंत्री आवास की इन्होंने केवल संस्तुति की थी, 44 लाख प्रधानमंत्री आवास तो हमने अपने कार्यकाल के पहले कार्यकाल में बना ले जो 5 वर्ष का पिछला कार्यकाल बीता है। और इसी कारण से उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की वापसी हुई है 37 वर्षों के बाद। और अभी रविदास जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मन उठ गया है। अरे भाई, हालिया जो उपचुनाव अभी संपन्न हुए हैं रामपुर में, आजमगढ़ में, ये वो सीटें थी जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी का बिल्कुल ये मानते थे कि बिल्कुल समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीत करके आ जाएंगे। लेकिन इनके दिग्गज वहां से चुनाव लड़े, सैफई कुनबे से लेकर के धर्मेंद्र यादव को गए थे आजमगढ़, और आजमगढ़ में निरहुआ ने पटकनी दे देने का काम किया। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य व्यक्ति को चुनाव लड़ाया और आजम खान की सारी प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो गई। सच्चाई को स्वीकार करिए। सच्चाई यह है कि आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है, आपको फिर भी यकीन नहीं। रविदास जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। रविदास जी सीरियल लीडर हैं, चाहते हैं कि आंदोलनकारी का वो स्वभाव जो मुलायम सिंह जी के शासनकाल में हुआ करता था वो हो। लेकिन सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव जी दफ्तर से बाहर नहीं निकलना चाहते, अखिलेश यादव जी नेतृत्व नहीं करना चाहते, और इसी कारण से आज का पूरा आंदोलन सांकेतिक रह गया, फ्लॉपसू रह गया। आज समाजवादी पार्टी इसको जनता से जोड़ नहीं पाई है। जी राकेश जी, रविदास जी आज के आपके प्रदर्शन को फ्लॉप शो बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि फ्लॉप शो था। देखिए, जब पूरे प्रदेश में आज केवल विधायकों को विधानसभा में आना था और पूरे प्रदेश में सारे विधायकों को उनके घरों में कैद कर दिया गया, ये सरकार कितनी डरी हुई है। इस सरकार में ना कोई साहस है ना कोई हिम्मत है, इसको विरोध की आवाज सुनने की हिम्मत नहीं है। और ये सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं इनको इतना सत्ता का अहंकार हो गया है कि इनको सड़कों पर हमारा संघर्ष दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज पूरे प्रदेश भर के अंदर जहां पर विधायकों के घर थे, उनके घरों के बाहर पूरे प्रदेश में आज विधायकों ने धरना देने का काम किया। पार्टी के प्रदेश कार्यालय से बड़ी संख्या में लोग निकले, और अगर सरकार ने आज दमन जुल्म नहीं किया होता तो सारे विधायक आज सरकार के खिलाफ संघर्ष करते तो सरकार की पोल खुल जाती। जैसे बिहार में हुआ है ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में बहुत भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है और किसी दिन भी सत्ता पलट सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के अहंकार में हैं, ये दमन जुल्म से जनता की आवाज दबा रहे हैं। आज से 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था। हम लोग आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। उस आपातकाल में जो जुल्म, अत्याचार और अन्याय हुआ था, उससे भी अधिक अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, उससे अधिक दमन हो रहा है, तानाशाही हो रही है। कोई अधिकारी जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है, केवल भ्रष्टाचार व्याप्त है। और आप बताइए कि दूध में, मक्खन में, आटे में, दाल में, चावल में जो GST लगाया गया है, हम उस GST को वापस लेने की मांग कर रहे हैं तो हमारे ऊपर लाठी चलाई जा रही है, हमारे ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा है, हमको घरों में बंद करा जा रहा है, हमको जनता के बीच जाने से रोकने का काम हो रहा है। ये सरकार को खुद मालूम है कि हम जो काम कर रहे हैं वो जन विरोधी है, और इसी कारण आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ रही है, जनता का जीवन दुभर हो गया है, चारों तरफ त्राई त्राई मची हुई है, कहीं पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो लोग रोजगार में लगे हुए थे उनका सरकार रोजगार छीनने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके दमन करने का काम हो रहा है। लेकिन चाहे बिल्कुल रविदास जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, दमन कर ले, कितना भी जोर कर ले, हम लोगों की आवाज कोई ताकत दबा नहीं सकती है। जी बिल्कुल, मेरे साथ शैलेंद्र तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, आज विपक्ष की भूमिका में, या कहें विधानसभा की, अगर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है, उसने आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, उनके विधायकों ने प्रदर्शन किया,
और जो कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रदर्शन किया। अब आपको लगता है कि विपक्ष को इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत है और खासतौर पर कांग्रेस को भी इस तरह की कोई रणनीति अपनानी चाहिए ताकि वो सड़कों पर उतरे और अपनी बातों को रखे और जनता के बीच में जाए? देखिए, कांग्रेस ने तो स्टार्ट कर दिया है पहले से ही। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया और वहाँ पर रैली की, बड़ी रैली की, और काफ़ी भीड़ हुई, लाखों की संख्या में लोग आए। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि जनता जुट नहीं पा रही, भीड़ नहीं जुट पा रही है। तो यहाँ पर आप चैनल पर बैठ करके आपको ये बताना क्यों पड़ रहा है कि जनता जुट नहीं पा रही है? क्यों? स्थिति वास्तविकता ये है कि वास्तविक स्थिति से किनारे हो चुके हैं। जो जितने जो महंगाई थी, जो 2013 में जो कड़वा तेल 65 रुपये में था, अभी वो 240 और 200 रुपये किलो लीटर हो चुका है। स्थिति आप समझिए, क्या कहाँ से कहाँ मामला पहुँच चुका है, किस जगह से। 1050 रुपये का सिलेंडर है, 2013 में वो सिलेंडर 350 रुपये का था, सब्सिडी भी थी। उन लोगों के साथ धोखा हुआ है जिनको मोदी जी ने कहा था कि सब्सिडी छोड़ दें। आप बताइए आज की तारीख में महंगाई कहाँ पहुँच गई है, क्या स्थिति है? पता नहीं कौन सी आंकड़े लेकर के आते हैं, क्या बताना चाहते हैं जनता के सामने। सब कुछ ठीक चल रहा है न, आप किसी भी एक मामले में देख लीजिए, किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, चाहे वो पुलिस के मोर्चे पर हो, चाहे कानून व्यवस्था पर हो। कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि मंत्री को सजा होती है, वो जज के सामने से भाग जाता है। कहीं किसी भी मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, सलभ उस साल में बलरामपुर अस्पताल में मरीज 3 दिन से एडमिट है, वो पैसा जमा कर चुका है, उसको इलाज नहीं मिल रहा है, उसकी जांच नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति हुई है। ये अभी ताज़ा घटना बता रहा हूँ। तो कहाँ किस मोर्चे पर सफल हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा झंडा डंडा प्रोपोगंडा, झूठ बोलने में माहिर हैं। अभी एक अमेठी की सांसद और मिनिस्टर साहब बताती हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर नहीं गए। अब आपको बता दें, साफ साफ झूठ बोल रही हैं सामने सामने। मतलब कसम से, आप अच्छे सम्मानित लोग हैं, झूठ तो ना बोलिए कम से कम जनता के सामने। आपने झूठ परोसा, आपने लोगों को बताया 1,76,000 का घोटाला हो गया, हमने आपकी बात मानी, उन लोगों को दोषी बनाया, जेल भेजा, आपकी सरकार में उनको जमानत मिल गई, बातचीत बरी हो गए। क्या मतलब है? आप कुल मिलाकर के हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कब तक झूठ बोलोगे? तो ये कहना चाहता हूँ कि आप 56 इंची सीना है और झूठ बोलकर जीना है तो फिर जीजिए। जनता भी समझ चुकी है, जनता सब आपको रिजल्ट देगी 2024 में, बिल्कुल एकदम सामने आ चुका है। और रही बात जो है भीड़ की, अब वो जमाने चले गए, आज सब कुछ डिजिटल पे है, हर एक आदमी जान रहा है कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। आपने जितना झूठ फैलाना था फैला लिया, अब हर पोल खुल जाती है, हर बात खुल जाती है, कहाँ क्या चल रहा है, ये सबके सामने है। हाँ, एक अलग बात है कि लोग नहीं बोल रहे हैं, क्यों बोलेंगे, जेल भेज देंगे आप ईडी भेज दे रहे हैं, सबको प्रताड़ित कर रहे हैं, सब सामने है। जिसको आप कल तक तोता बोलते थे, आज आपने उसको तोता से भी हालत खराब कर रखी है, ऐसी स्थिति बन चुकी है। आप सोचिए, जनता कुल मिलाकर के पूरी तरह से परेशान है। इनके जो दर कहते हैं महंगाई दर, इन्होंने इनकी महंगाई दर ने जनता को दर बदर कर दिया है जी, बहुत परेशान है लोग जी। बिल्कुल, मेरे साथ मनीष हिंदवी जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि उत्तर प्रदेश में 2024 की जो गणित होगी वो आप किस तरह से बनती हुई देख रहे हैं और किस तरह का परिदृश्य देख रहे हैं? जो 2024 में बीजेपी को सबसे बड़ी टक्कर कौन देता दिखेगा? समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, इसके अलावा बसपा अपना अलग संगठन तैयार करने की कोशिश कर रही है और जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं वो भी अपनी अपनी तरह से लगे हुए हैं। लेकिन 2024 में जो सबसे बड़ी लड़ाई होगी वो होगी बीजेपी के साथ, और सच्चाई ये है कि आज की तारीख में विपक्ष के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सके। तो आपका क्या आकलन है इस पर? भाजपा, जो प्रेजेंट भाजपा है जी, वो अपनी प्लानिंग बहुत पहले से चीज़ों की करती है। और अगर आप 19 का चुनाव याद करें या उसके पहले, फिर वो चाहे 370 हटने की बात हो, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो, आप याद करिएगा 14 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे जी, तो लगातार एक एलिगेशन उनके ऊपर लगता था, आप ये तो अयोध्या खुद ही नहीं जाते हैं, दूसरों को क्या कहेंगे, आप अगर याद करें तो जी, इस तरह के एलिगेशन लगा करते थे और ये लोग कोई जवाब नहीं देते थे, क्योंकि ये तय था कि मोदी जी कब अयोध्या जाएंगे, तो शिलान्यास के समय गए, ये पहले से एक प्लानिंग थी, ठीक है ना। और उस बात को बहुत प्रमुखता से कवर भी किया गया। 24 का एक प्रमुख मुद्दा मैं आज बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि राम मंदिर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा। आप देखें तो 15-20-25 दिन पर हमेशा एक मंदिर की फोटो बनते हुए आ रही है लगातार जी। 23 में कंप्लीट होने की बात हो रही है और 24 का चुनाव
हर मोबाइल पर राम मंदिर की डीपी पर होगा। एक मुद्दा तो तय है जो बहुत बड़ा मुद्दा है, दूसरा मुद्दा विपक्ष का, इसमें काशी आपको लगता है मुद्दा नहीं, काशी भी मुद्दा बनेगी, लेकिन चूंकि राम मंदिर बनने के कंप्लीट होने के कगार पर है और वो बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, तो मैंने कहा नहीं, चूंकि आप ये मानकर चलिए कि पिछले 8-10 सालों में जिस तरीके से अब एक सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम का हो गया है, इससे किसी को गुरेज नहीं होनी चाहिए, और ये है और लगातार है ये मुद्दा, और जिस हिसाब से मंदिर पर काम चल रहा है तो मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा। अगले मुद्दे पर चलते हैं, अब जो आपका दूसरा सवाल है विपक्ष वाला, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, अगर 24 की लड़ाई होगी तो 24 में हम केंद्र की तरफ देखेंगे कि केंद्र में दूसरी पार्टी कौन, तो केंद्र में तो भाई इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि राष्ट्रीय दल तो कांग्रेस ही है, लेकिन कांग्रेस क्या अकेले सक्षम हो पाएगा भाजपा को का विरोध कर पाने में, तो क्या उसको और अन्य रीजनल दलों के साथ, जैसे अगर आप यूपी की बात करेंगे तो इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं कि सपा दो नंबर का दल है, तो सपा को उसको अपने साथ लेना पड़ेगा, तो ये कैसे गठजोड़ बनते हैं, क्या उस समय हालात बनते हैं, क्योंकि जो तीसरा मोर्चा बनता है तो तीसरे मोर्चे की सबसे बड़ी लड़ाई होती है कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन, तो वहां पर एक सामंजस्य बन नहीं पाता, तो अब ये बहुत सारे क्यों है बीच में ना, कि क्या कांग्रेस सेंटर में आएगी उसके साथ बाकी लोग जाएंगे, क्या तीसरा मोर्चा बनेगा कोई एक चेहरा तय किया जाएगा, तो ये जो विपक्ष में अभी बहुत सारे सवाल हैं ये भाजपा को और मजबूती दे रहे हैं, इस पर इसका हल निकलना चाहिए, कंबाइंड ज्वाइंट फोर्स बनानी पड़ेगी भाजपा के खिलाफ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और तीसरी बात सड़क पर लड़ाई की, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस ने लड़ाई शुरू कर दी है और आज सपा ने भी आगाज कर दिया है अपना, और लोकतंत्र में लड़ाइयां सड़क पर ही लड़ी जाएंगी, जनता के हितों की, जनता के मुद्दों की, आज तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मैं देखता हूं उस लेवल पर लड़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि मुझे याद आता भी आदरणीय राकेश जी कह रहे थे कि साहब वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और तमाम लॉ एंड ऑर्डर देखना है, और आप याद करिए कि जब महंगाई पर धरना प्रदर्शन हुआ था स्मृति ईरानी जी सभी पार्टियां करती हैं, नहीं सिलेंडर लेकर रोड पर बैठ गई थी, अगर आप वो जमाना याद करें, महंगाई पर रोड़ी तो घेर दी थी, तो लड़ाई तो रोड पर ही होगी, तो जो लड़ाइयां होनी है वो रोड पर ही होनी है, जनता के हितों को, जनता के मुद्दों को लेकर, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं उस चीज को रोकने की कोशिश तो कर ही रही है, आज सुबह से तमाम फोटो आ रही थी कि जब विधायकों के घर के बाहर पुलिस लगी हुई थी, परमानेंट लगभग 144 लगी रह रही है, तो ये सब मसले हैं कि कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष को एक बात समझनी पड़ेगी, जो सत्ता में है वो दमन करेगा, आपको उस दमन के खिलाफ लड़ना है, तभी जनता ये समझेगी कि हाँ आप उनके मुद्दों के खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा आपको, और तभी जनता आप पर विश्वास कर पाएगी। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी अभी जिस तरह से मनीष जी चर्चा कर रहे थे कि किन मुद्दों पर खड़ा होना पड़ेगा, और जो परिदृश्य दिख रहा है, जो सिनेरियो बन रहा है, वो सिनेरियो में अभी तस्वीर साफ नहीं है। मेरा एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि वो प्रदर्शन करेगी, बहुत अच्छी बात है, हर लोकतंत्र में प्रदर्शन का हर एक को हक है, और हर एक पार्टी और ख़ासतौर पर अगर आप विपक्ष में हो तो आप प्रदर्शन करते हैं, क्या आपको लगता है कि 2024 में इस तरह के प्रदर्शन करके पैठ बनाई जा सकती है पब्लिक में, या फिर वही हिंदू और मुस्लिम का कार्ड कहीं फिर से खेला जाएगा? श्रेय जी मुझे याद आ रहा है वो दौर भी, आपने भी देखा है कि जब विपक्ष के रूप में मुलायम सिंह यादव नेता थे और वो जब आंदोलन करते थे तो क्या होता था, पूरे उत्तर प्रदेश में एक हलचल होती थी, और वो आंदोलन इतना बड़ा होता था कि उस पर बाकायदे लीड स्टोरी बनती थी और कई दिन पहले से उसकी तैयारियों का पूरा ब्यौरा होता था कि साहब ये हो रहा है, ये तैयारी हो रही है। तो अब हो क्या रहा है कि आंदोलन तो हो रहे हैं, लेकिन आंदोलन उस वो धारदार नहीं है जो पहले हुआ करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन नहीं होने चाहिए, आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन आगे भी होंगे क्योंकि चुनाव है। लेकिन 2000 जो जहां तक 2024 की बात है, 2024 में ये भ्रम हमेशा बना रहेगा, आप देखिएगा चुनाव आएंगे चुनाव के पहले भी, कि नेतृत्व कौन करेगा, नेतृत्व का ये सवाल उठता रहेगा, लेकिन हर राज्य में अपना अपना नेतृत्व है। जैसे उत्तर प्रदेश को आप लेंगे तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मुझे अभी तक जो लग रहा है, हो सकता है परिवर्तन हो जाए, तो मुझे लगता है यहाँ समाजवादी पार्टी लड़ सकती है,
बिहार में राजद और नीतीश कुमार लड़ सकते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ सकती है, और कुछ राज्यों में अपना अलग अलग वो है जिसे कांग्रेस लड़ेगी, तेलंगाना में केसीआर लड़ेंगे और वहाँ पर आंध्र में अलग कोई लड़ेगा। तो ये लड़ाई टुकड़ों में होगी, हर राज्य के अलग अलग क्षत्रप होंगे, अलग अलग लड़ाइयाँ होंगी, और इसके बाद अब तब समस्या आएगी कि जब कितना एकजुट होता है विपक्ष, कौन प्रधानमंत्री होता है, कौन चेहरा होता है। अभी आपने देखा होगा नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, बहुत प्रयास किया है, लेकिन क्या इस प्रयास का क्या अर्थ हुआ? केजरीवाल के यहाँ चाय पीने गए थे, क्या गुजरात का चुनाव कांग्रेस और केजरीवाल लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। हर राज्य में अलग अलग स्थितियां हैं, और जैसे तेलंगाना में चुनाव आ रहा है, क्या राव साहब इनको कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव में आएंगे? नहीं आएंगे, वो जितने कांग्रेस से दूरी है उतने बीजेपी से दूरी है। तो विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि उसका एक सर्वमान्य चेहरा नहीं है। हो सकता है चुनाव के बाद जब परिणाम आ जाए तब एक कोई चेहरा चुना जाए, और वो ज्यादा। तो विजय जी, आपको लगता है कि जो बिखरा हुआ जो बिखरा हुआ विपक्ष है, विजय जी आपको लगता है कि जो आपने जैसे बताया कि अलग अलग क्षत्रप हैं, क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो आपको लगता है कि अगर एकजुट होकर अगर इन्होंने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी तो क्या वो बीजेपी से फाइट कर पाएंगे मजबूती के साथ? क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी दल का, किसी भी गठबंधन का एक चेहरा होता है तो उस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन आज की तारीख में ऐसी स्थिति नहीं है, तो वो फाइट करने के लिए एकजुटता कितनी जरूरी लगती है आपको और कितनी संभव लगती है? देखिए, एकजुटता का प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हर कोई बड़ा भाई बनना चाहता है। प्रयास करना और उसका फलीभूत होना दो अलग अलग चीजें हैं, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत फलीभूत होंगे। कारण क्या है? अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को चुनौती कौन दे सकता है विपक्ष के पद पर? विपक्ष में समाजवादी पार्टी, अब यहां पर कोई कहे कांग्रेस साहब नेतृत्व करेगी तो नहीं कर सकती है। बिहार में राजद और नीतीश हैं, इसी तरह दिल्ली में केजरीवाल लड़ना चाहेंगे, और वो तो बाकायदे आप देखिए नीतीश कुमार और केजरीवाल चाय पीते हैं, विपक्षी एकता के लिए बात करते हैं, विपक्ष को एकजुट करने की बात करते हैं, और केजरीवाल कल ही बयान देते हैं कि कांग्रेस है कहाँ, कहाँ कांग्रेस, कैसी कांग्रेस, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, उसका स्थान आम आदमी पार्टी ने ले लिया है, तो वो कल ही ये कह रहे थे। तो आप अब आप कल्पना करें कि वो एक होकर लड़ेंगे या कोई एक अंतिम निष्कर्ष में पहुंचेंगे किसी चेहरे को लेके। मुझे नहीं लगता है 2024 में कि कोई अंतिम निष्कर्ष में पहुंचा जाएगा कि इस चेहरे पे चुनाव होगा। जी, मैं रविदास जी से पूछता हूं। रविदास जी, अभी जिस तरह की चर्चा हो रही है, ये हो रहा है कि विपक्ष अगर एकजुट नहीं हुआ और विपक्ष ने एकजुटता नहीं दिखाई तो फिर दिक्कत होगी कि चेहरा पब्लिक के सामने आप जाएंगे चुनाव में उतरेंगे, माना कि आप यहाँ पर नंबर दो की पार्टी हैं, मजबूत विपक्षी दल हैं यहाँ पर, आप 111 सीटें हैं आपकी, और लेकिन जब आप 2024 की लोकसभा की लड़ाई में उतरेंगे तो एक चेहरा तो आपको दिखाना ही पड़ेगा ना जनता को। देखिए, विधानसभा के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां अपना अपना अलग अलग चुनाव लड़ेंगी जी, लेकिन 2024 में सारी गैर भाजपाई पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगी, और 2024 में पूरे देश की सभी जो गैर भाजपाई पार्टियां हैं उनकी सरकार बनेगी। कोई प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुल्म, अत्याचार और अन्याय की इस सरकार को खत्म करने का सवाल है। इसलिए देश में सारी गैर भाजपाई पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ेंगी, कोई प्रधानमंत्री पद की लड़ाई नहीं है। जब लोकतंत्र है, जब चुनाव जीतने के बाद जो MP जीतेंगे उस वक्त तय हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा और कौन उप प्रधानमंत्री होगा, ये कोई लड़ाई महत्वपूर्ण नहीं है। आज
मुद्दे ये हैं कि जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, स्कूलों में कुर्सी मेज नहीं है, सरकार की जो है लगातार कोई जनता की जो समस्याएं हैं उसको हल करने का सरकार का कोई प्रयास नहीं है। यही सरकार केवल नफरत पैदा करके चुनाव जीतना चाहती है। और जो अभी एक वक्ता कह रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर का, तो ये पूरा देश जानता है कि अयोध्या का राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर बन रहा है और इसमें सबकी सहमति है, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया और सुप्रीम कोर्ट के ने आदेश करने के बाद ये मंदिर का निर्माण काम शुरू हुआ है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदेश नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ऑर्डिनेंस लेके नहीं आई थी, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं, बाकी हाई सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर राम मंदिर बनने का काम हो रहा है, उसका ट्रस्ट बना हुआ है और उसको सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मंदिर बनने का काम हो रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी सोने की ईंटें और चंदा, अभी लोग उनसे पूछिए जब अडवाणी जी निकले थे रथ दे करके, तो जो सोने के ईंटें आई थी वो कहाँ गई हैं, वो सारा पैसा कहाँ गया है, तो वो सारा पैसा जो है वो गबन करने का काम हुआ, जनता जान गई है। आज जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता को रोटी नहीं मिल रही है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, सरकार टैक्स लगाने का काम कर रही है लगातार, और जनता जो है सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ उनमें आक्रोश व्याप्त है और जनता अब परिवर्तन करने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में बहुत भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है। अब ये दमन करके, जुल्म करके, तानाशाही से जनता की आवाज को कोई दबा नहीं पाया पहले भी और आज भी दबा नहीं पाएगा। आज भले ही सारे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सारे विधायकों को आपने बलपूर्वक बहुत फोर्स लगा करके मेरे घर पर 200-200 पुलिस वाले खड़े होकर के मेरे घर के उसको जो है बलपूर्वक अपने घर के अंदर बंद करने के लिए मजबूर कर दिया गया, लेकिन इससे जनता में और आक्रोश बढ़ेगा और जनता के इस आक्रोश को आपको रोक नहीं पाएगा। 2024 में सत्ता में बदलाव और परिवर्तन होना निश्चित है और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ को जान गई है, केवल झूठ बोलने का काम किया है। जी बिल्कुल, इस बात का जवाब इस बात रविदास जी, इस बात का जवाब राकेश त्रिपाठी जी से लेते हैं। राकेश जी, मेरे दो सवाल हैं जो कि रविदास जी की बातों से ही निकल कर सामने आए हैं। उनका कहना है कि पूरा करने का काम नहीं किया है, उनका कहना है पहली बात कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, पहले तो उनकी जो कोशिश है वो ये है कि बीजेपी को 2024 के चुनाव में हराए, यानी कि कोई चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी बन सकता है, जब चुनाव जीतेंगे उसके बाद तय कर लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है और पब्लिक के बीच में जाएंगे तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं बन सकता, और बीजेपी और जो उनके संगठन हैं उन्होंने सिर्फ चंदा लेने का काम किया, तो ये दो बातें उन्होंने कही है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, पहली बात का तो जवाब दे दूं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुकी, फिर उन्होंने मायावती जी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद फिर उस केशव देव मौर्य के महान दल के साथ गठबंधन किया, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया और चाचा की पार्टी के साथ भी गठबंधन किया। इन सारे गठबंधनों का हश्र देखिए क्या हुआ है। अखिलेश यादव जी विश्वसनीय साथी नहीं है, ये बात पूरी राजनीतिक जमात में हर व्यक्ति की जुबान पर है कि अखिलेश यादव जी किसी के साथ नहीं टिक सकते, किसी के साथ नहीं रुक सकते, और अब उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक दल उनके साथ गठबंधन करने को तैयार भी नहीं है। चाचा ने भी मना कर दिया कि अब हम अखिलेश यादव जी के साथ नहीं जाएंगे, हमसे बार बार गलतियां हुई है और अब हम बिल्कुल अखिलेश यादव जी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी अकेले दम पर यूपी का 2024 का चुनाव यूपी में लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, इसको लेकर के सवाल है, क्योंकि अकेले दम पर तो उनमें क्षमता ही नहीं है। जब से उन्होंने पिताजी को अध्यक्ष पद से हटाया और स्वयं अपने हाथ में कमान ली, तब से लगातार बैसाखियों का सहारा ढूंढते रहे और हर बार बैसाखियों को स्वयं तोड़ करके फेंक देते रहे।
तो अब आज इस स्थिति में अखिलेश यादव अपने दम पर पार्टी को खड़ा कर पाएंगे, वो 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे और एक भी सीट उत्तर प्रदेश में जीत पाएंगे, इसको लेकर के बड़े सवाल हैं। अरे एमएमपी तो बनाइए, पीएम बनने का सपना तो बाद में देखिएगा, पहले एमपी जीता कर लाइए। सच्चाई है कि एमपी जीतने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने राम मंदिर को लेकर के रविदास जी ने बातें कही है। देखिए ये कभी भी धुल नहीं सकता, ये कलंक आपके माथे पर लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के, कि कैसे कारसेवकों के रक्त से मां सरयू को लाल किया था। कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए किसी कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया था, यह ऑर्डर आपकी सरकार का था और आपकी सरकार ने ये जो कलंक के जो काली करतूते रखी है ना, जिसका कलंक आपके चेहरे पर है ना, ये कभी नहीं धुलेगा। और इसलिए राम मंदिर के मसले पर आपको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जिसने लगातार कहा कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे और हम अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। और आप बताते रहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो 4 महीने में ट्रांसलेशन करके जमा किया ना 1000 पेजेस का, वो उसका कारण बना है। अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना होती और डे बाय डे हेयरिंग ना हुई होती तो शायद राम मंदिर का फैसला अभी भी अटकाया लटकाया भटकाया जा रहा होता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसमें केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, इन दोनों की कितनी भूमिका है ये जनता जानती है। बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि भगवान श्री राम का मंदिर राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हम तो प्रभु राम के आशीर्वाद से ही चुनाव जीत लेंगे, हमें राम मंदिर के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दे की तरह भुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम राम राज्य को लागू करने के लिए संकल्पित हैं और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाली अब भी उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि कैसे अमिताभ बच्चन को लेकर के आते थे आप और उनसे विज्ञापन करवाते थे कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है, लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कैसे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सरीखे माफियाओं के पैरेलल साम्राज्य उत्तर प्रदेश में चला करता था। लेकिन आज सजा सुनाई गई, कोर्ट से भाग गए सजान वर्मा जी, गांव गांव तक बिजली को पहुंचाया, कानून व्यवस्था पर जनता पार्टी के शासन में कानून व्यवस्था पर आप दलीलें दे रहे हैं, परिवर्तन किए और कांग्रेस पार्टी के कानून व्यवस्था पर आप दलीलें दे रहे हैं। स्वयं पहले अपने आप में देखिए, सुन तो लीजिए, पहले 8 विधायक टूट गए, आप भारत जोड़ो भारत जोड़ो महाराज टूटा कैसे, उधर करप्शन से विधायक पैसा से जुड़ो भाजपा से टूटने की बात तो आप गलत कर दी, चल रहे कोई भी आदमी आप तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं आप लोग, पहले तोड़ने की बात आपने स्वीकार की ना, आपस में मुद्दों पर बताइए ना, कानून व्यवस्था के नाम पे जज के सामने से सजान वर्मा साहब भागे कि नहीं भागे, बिल्कुल नहीं भागे कि नहीं भागे, ही नहीं नहीं तोड़ रहे हम, बिल्कुल नहीं तोड़ रहे हैं। अरे क्या आप भारत जोड़ो कह रहे हैं और आपकी पार्टी के लिए कह रहे हैं भाजपा से जुड़ो, भाजपा से जुड़ो, आप भाजपा से आकर के जुड़े हैं, आप भी भाग रहे हैं कानून व्यवस्था के नाम पे। सजान वर्मा जी नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए और इसी तरह से गलत जानकारियों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे फिर मुट्ठी खाएंगे। अब तो रायबरेली नहीं बचने वाली, अब तो रायबरेली नहीं बच रही है और डंके की चोट पर कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ, क्रेजी की डिबेट में कह रहा हूँ और इसको रिकॉर्ड पर रखिएगा, रायबरेली नहीं बच रही है आपके हाथ से, इस बार रायबरेली में कमल खिला करवाएंगे। साल बाद है कानून व्यवस्था में जवाब दो, सचान वर्मा साहब कोर्ट में जज के सामने से भागे कि नहीं भागे और क्या कानून व्यवस्था बचाएंगे, झूठ बोलते हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं जनता के सामने, बिल्कुल बिल्कुल झूठ, विशुद्ध झूठ, ये पूरी तरह से कोरा झूठ, ये काला झूठ है, ये सफेद झूठ है, आप ये झूठ फैलाना बंद करिए, कोर्ट की फाइल लेकर के अगर भाग जाता तो कोर्ट से भाग के अखबारों में समझा है, न्यायपालिकाओं को दुनिया ने देखा है, दंतविहीन बताइए, भारत की न्यायपालिकाएं सक्षम है, समर्थ है, चलिए और फैसला लेती है, आइए आप बताइए 1050 का सिलेंडर है कि नहीं, मैं कह रहा हूं शैलेंद्र जी ये झूठ आप बताइए, चलिए बाहर आ जाइए, वहां पे इस झूठ से बाहर आ जाइए कि राहुल गांधी करिश्मा करेंगे, इस मुगलते से बाहर आ जाइए, पार्टी जी सच्चाई को स्वीकार करिए, उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं है आपका, नहीं है सच्चाई को स्वीकार करिए, आज निकाय चुनाव के लिए जिला संयोजक घोषित कर चुके हैं, निकाय चुनाव को लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं, 1050 रुपए का सिलेंडर है कि नहीं, सीएनजी 100 रुपए ऊपर पहुंच गई है पेट्रोल और सीएनजी का रेट क्या पहुंच गया बताइए, महंगाई है कि नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप खारिज करेगी, आपको फिर खारिज करेगी, वरना कैसे गैस की कालाबाजारी आपके महंगाई बताइए ना, ये जनता भूली नहीं है कि गैस सिलेंडर के लिए कैसे लाइन लगानी पड़ती थी, भैया गैस सिलेंडर था सब्सिडी 300 रुपए थी, कोई लाइन नहीं थी, ये पर बात नहीं करेंगे, कोई लाइन नहीं थी, आपने जनता के सामने चैलेंज जी, रविदास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, राकेश जी 140 रुपए का सिलेंडर था, कहां बोलना बंद करिए भाई, 350 का 350 का
चैलेंज जी, रविदास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। रविदास जी आपके कार्यकाल में यूपीए राकेश जी 2013 मैं आपको रोकना चाहूंगा, राकेश जी मैं आपको रोकूंगा। देखिए भारतीय जनता जी बिल्कुल बोलिए जी रविदास जी। भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ को 100 बार बोलती है और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। आज पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। बहन और बेटियां अपने घर में सुरक्षित नहीं है, व्यापारी अपने दुकान में सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में न कोई कानून का राज है, केवल गुंडागर्दी और माफिया राज जंगल राज प्रदेश में कायम हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है कि एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो जनता उसको सही मान लेगी, लेकिन अब जनता आपके झूठ को जान गई है, अब जनता आपसे गुमराह नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से जनता को भटकाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी महंगाई पर बात नहीं करेगी, ये नहीं बताएगी कि दूध पर, दही पर, आटे दाल चावल पर GST क्यों लगा दिया, ये महंगाई बढ़ने का कारण है कि नहीं। आज जनता महंगाई से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ये भी झूठ है, ये भी झूठ, इसीलिए आप लोगों की खा रहे हैं क्योंकि जनता के बीच में सही बातें लेकर नहीं जाते हैं। झूठ फैलाना बंद करिए। कहीं पर भी दूध दही पर GST नहीं है, पैक्ड दूध दही पर GST है, ये सरकार स्वीकार करते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग जो रोजगार में लगे थे उनका रोजगार छीनने का काम हो रहा है। ये सरकार ने वादा किया था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, कहीं किसी को कोई भी रोजगार नहीं मिला है। न किसानों के कर्जे माफ हुए हैं, न महंगाई पर अंकुश लगा है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जनता त्राही त्राही कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सत्ता का इतना अहंकार हो गया है कि वो जनता के दुख दर्द को सुनने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। कहीं कोई अधिकारी अपनी कुर्सी पर मिलता नहीं है। सरकार पुलिस जो है निरंकुश हो गई है, अधिकारी निरंकुश हो गए हैं और जनता बेहाल हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के केवल चरण के ऊपर झूठ बोलने का काम करते हैं। इनको जनता के मुद्दों से, जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। ये आखिर में जब चुनाव होगा तो चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करेंगे, बस इसके अलावा इनके पास वोट मांगने का कोई, राकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं है। चुनाव घोषणा पत्र देख लीजिए, रविदास जी जवाब भी ले लीजिए। रविदास जी करने का काम नहीं, मैं तो श्रेय जी आपकी उपस्थिति में जी, मैं सुनिए जी जी जी, रविदास जी जवाब ले लेते हैं। रविदास जी जवाब, मैं तो आपकी उपस्थिति में रविदास जी का बहुत सम्मान करते हुए जी, मैं रविदास जी का बहुत सम्मान करते हुए, क्योंकि रविदास मेहरोत्रा जी लोकतंत्र सेनानी रहे हैं, लोकतंत्र के लिए रक्षा के लिए ये मीसाबंदी भी रहे, जेल भी गए हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ रविदास मेहरोत्रा जी का और बहुत सम्मान के साथ पूछ रहा हूँ। क्या याद करिए रविदास जी, अगर मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के अध्यक्ष होते, मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के नेता होते, तो क्या ये बैठकर तर्क आप टीवी चैनलों पर आज दे रहे होते कि मेरे दरवाजे पर 200 पुलिस वाले आ गए थे इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता टेलीविजन पर बैठ करके ये बयान देकर के इस अकर्मण्यता को छुपा सकते हैं कि 200 पुलिसकर्मी आ गए थे इसलिए हम घर से बाहर नहीं निकले। अरे रविदास जी मैं जानता हूं आप जैसे नेता सड़कों पर उतरते थे, आपके साथ 2-2 हजार 10-10 हजार लोग आपके साथ सड़कों पर निकल आते थे जब मुलायम सिंह यादव जी नेता हुआ करते थे, याद करिए वो दिन को। और आप तो पुराने समाजवादी हैं, इस सच के सच को क्यों छुपाना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी से पार्टी संभल नहीं रही, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पार्टी में जान नहीं है, दम नहीं है, आपके मुद्दों में वजन नहीं है, जनता का आपके साथ समर्थन नहीं है, इस सच को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? क्यों आकर के चैनल पर आज आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति आकर के आप अखिलेश यादव जी को बचाने का काम कर रहे हैं? सच्चाई स्वीकार करिए, आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो कोई पुलिस पर दम नहीं है कि रविदास मेहरोत्रा को घर से बाहर निकलने से रोकते। मैं जानता हूं रविदास मेहरोत्रा जी योद्धा है, लड़ते हैं, और लड़ने वाले विधायक को कोई पुलिस रोक ले संभव ही नहीं है। ये बात झूठ कहना बंद करिए, या अखिलेश यादव जी को बचाने के लिए आप इस प्रकार के झूठ बोल रहे हैं, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, मेरे साथ मनीष हिंदवी जी हैं। मनीष जी एक सवाल मेरा ये है कि आज जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, लेकिन उस प्रदर्शन के इतर अगर एक दृश्य आप और देखें कि जो
पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार दौरे करते रहते हैं, सबको एजेंडा दिया हुआ है कि आप इस जिले जाएंगे, इस जिले जाएंगे, इस जिले जाएंगे, यानी कि वो तैयारी, एक चुनाव खत्म होता है और वो दूसरे चुनाव की तैयारी बीजेपी में शुरू हो जाती है। आज जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और जिस तरह से भी राकेश त्रिपाठी कह रहे थे कि अगर मुलायम सिंह यादव होते तो फिर वो 200 पुलिसकर्मी भी उनको रोक नहीं पाते, इस बात में कितनी सत्यता है? और जो बीजेपी की प्लानिंग और मैनेजमेंट है उसके आगे विपक्ष नहीं, की प्लानिंग और मैनेजमेंट कितना? जी पुलिस जी बोलिए, फिर मैं मनीष जी के पास जाता हूँ, छोटा सा अपना अपना जवाब दीजिए जी, क्या कह रहे हैं जी? ये पुलिस जो है हमारे घर के अंदर अगर 500 पुलिस आ जाएगी तो कैसे घर से बाहर निकलेंगे, जब पुलिस जो है लाठी चलाने का काम कर रही है और एकदम घर में घुस करके उसके बाद भी हम लोग बाहर निकले, सड़क पर निकल धरना दिया और धरना देने के बाद पुलिस ने हमें लोगों को गिरफ्तार किया, तो हम लोग संघर्ष करने का काम किए हैं। ये लोग जो है ये सत्ता के अहंकार में जो एसी के कमरे में बैठे हुए बात करते हैं, इनको जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है, ये आकर के देखते पहले कि कैसे हम लोगों ने संघर्ष किया है, हम लोग 20-20 महीने जेलों में काटे, ये हाँ, राकेश जी खुद ही बता रहे थे लाठी चलाए, हम संघर्ष करने का काम करेंगे, नहीं बिल्कुल काटे हैं ना, इसलिए तो आज कट्टर स्वर पर आश्चर्य हो रहा है, ये कितना भी दमन कर ले, राकेश जी अच्छे आदमी है लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना दमन कर ले, कितना जुल्म कर ले, हम संघर्ष करेंगे, आप दमन करो हम संघर्ष करेंगे, हम जनता के मुद्दों को लेके लड़ेंगे, आप जेल भेजो चाहे पुलिस लगा करके कितना दमन कर लो, चाहे हमें घर जी, बिल्कुल पूरा रात पूरी घर के अंदर पुलिस घुसी रही जी, बिल्कुल आप यहाँ हमारे घर के अंदर पूरी रात पुलिस रही, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये सरकार चला रहे हैं आप, इस तरीके से सरकार चलती है कि आप रात में हमारे घर का किवाड़ तोड़ घर में घुस जाए और पूरी रात पुलिस घर के अंदर रहे जी, बिल्कुल मनीष जी, मनीष जी मैंने आपसे दो सवाल पूछे थे जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये दमन और जुल्म कर रहा है जी, मैंने मनीष जी से भी बात कर लेते, मनीष जी मैंने आपसे दो सवाल पूछे थे, इनको शर्म नहीं आती, जवाब क्या है, इनको शर्म नहीं आती ये कहते हुए हम लोग तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, कितना भी जुर्म करो, कितना दमन करो जी, हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। मनीष जी के पास चलते हैं, मनीष जी से सवाल का जवाब ले लेते हैं, मनीष जी रोक नहीं सकते हो, असल में जो तेवर आदरणीय रविदास जी दिखा रहे हैं, देखना ये होगा क्या पूरी पार्टी का तेवर भी यही है, एक सवाल बहुत गंभीर ये है। दूसरी बात, समस्या क्या है, हमारी कमी क्या है, अगर हम उसको पहचानेंगे तो शायद बेहतर तरीके से पार्टी को लीड कर पाएंगे। तो दूसरा गंभीर सवाल ये है कि क्या ये हो पा रहा है। तीसरी बात, कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग के मामले में, प्लानिंग इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन बड़े आजकल इलेक्शन वे में होते हैं, प्लांड वे में हो रहा है, इलेक्शन मोड चलता रहा है, भाजपा में इलेक्शन मोड चला करता है, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर डेमोक्रेसी में इतना इलेक्शन मोड पर जाना भी बेहतर नहीं समझता, इससे जो सरकार जब चलाई जाती है उसको कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन मजबूरी है, भाजपा ये कर रही है। तो क्या सपा और अन्य विपक्षी दल उस लेवल की प्लानिंग कर उतना इलेक्शन मोड में अपने आप को रख पा रहे हैं? तीसरी बात। चौथी बात कि लीडरशिप का डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो क्या जो अन्य दल हैं वो कर पा रहे हैं, हम सपा की, क्योंकि हम यूपी में बैठे हैं तो यूपी की बात करें जी, सपा में अगर मैं किसी से पूछूं कि आप अखिलेश यादव के अलावा एक कोई चेहरा बताइए, मुश्किल होगी, समाजवादी पार्टी मुश्किल होगी। और अगर यही मुलायम सिंह के समय अगर हम लोग पूछते कि नेताजी के साथ पांच बड़े नाम बताइए तो लोग तुरंत गिनाने लगते, जनेश्वर मिश्रा जी का नाम गिनाते, बिनी प्रसाद वर्मा जी का नाम गिना देते, मोहन सिंह का नाम गिना देते, मतलब तमाम जी, जी। एक उनके पास एक टीम हुआ करती थी, क्या वो टीम अखिलेश जी के साथ है? फिर एक सवाल, तो क्या हम लीडरशिप डेवलपमेंट कर पा रहे हैं? और मैं बार बार एक बात कहता रहा कि अगर आप सारा चुनाव देखिए तो अखिलेश जी 31% तक खींच ले गए थे और भाजपा 41 या 40% के आसपास थी, चूक कहाँ हुई? मैं लगातार कई चैनलों पर इस बात को कहता रहा कि सारी लड़ाई ओबीसी की होगी, कि ओबीसी किधर जा रहा है, और अंत में वही हुआ कि यादव छोड़कर ओबीसी एक मेजॉरिटी बहुतायत चला गया भाजपा के साथ। तो हम भाई मुलायम सिंह जी ने शुरुआत की थी तो ओबीसी पॉलिटिक्स करते थे और ओबीसी का एक बड़ा धड़ा उनके साथ रहता था, तो वो चूक कहाँ हो रही है? इसलिए क्योंकि मैंने कहा क्या ओबीसी के बड़े चेहरे या वो बड़ी लॉबिंग वो कर पा रहे हैं? तो नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात कर लें, आदरणीय शरद भाई बैठे हुए हैं,
एक अध्यक्ष तय करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, एक कमी कहां रह जा रही है? और आखिरी बात, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि भाजपा भी अति पर उतरी हुई है, ईडी सीबीआई पुलिस का जो अंतिम उपयोग हो सकता है वो कर रही है। वो एक लड़की दिशा रवि टूलकिट बनाती है और उसको बेंगलोर से उठाकर लाके दिल्ली लाया जाता है और उसके ऊपर एनएसए और यूएपीए सब लाद दिया जाता है, बाद में कोर्ट से छूट भी जाती है। तो इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है कि भाजपा अति पर उतरी हुई है। जी, अब ब्रजेश जी के पास चलते हैं। ब्रजेश जी, ये बताइए कि अभी जिस तरह की चर्चा कर रहे थे मनीष जी, ये जो 31 और 41 10% का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको आने वाले समय में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह के प्लानिंग बनाई जा रही है, जिस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पूरा अगर विपक्ष मिल भी जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 80 लोकसभा सीट है और 80 लोकसभा सीट पर जिसने सबसे ज़्यादा कब्जा किया उसकी राह उतनी आसान हो जाएगी, तो ये जो अंतर है, ये अंतर आपको कम होता दिख रहा है या फिर लग रहा है कि ये अंतर बढ़ेगा? जी, पिछली बार भी जब 2019 का चुनाव हो रहा था जी, तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक मैथ निकाली थी, उसमें पूरे वोट जोड़ दिए थे और वो वोट जाके 52% जोड़ करके हमने कहा था स्वीप हो गई जी। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता मुझको मिले थे, मैं एक लाइव में गया था जी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब क्या लगता है आपको, तो मैंने कहा कि बहुत आसान नहीं है क्योंकि जमीन में अति पिछड़ा मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा है, तमाम दलित खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्रजी जी क्या देखते हैं आप, दो सीटें मैंने कृपा करके छोड़ दी हैं कांग्रेस के लिए, एक अमेठी और एक रायबरेली, और एक मैं बनारस छोड़े दे रहा हूँ, बाकी 70 सीटों में भी आपको कोई लगता है कि कोई दूसरा जीतेगा? तो जब इस ढंग से हम सोचेंगे तब आप चुनाव लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वास्तव में ये जोड़ नहीं होता है, दो पार्टियों के वोट को जोड़ दें जिससे चुनाव नहीं होता है, चुनावी गणित 2 और 2 4 नहीं होती है, ये बात जान लेना चाहिए। है क्या कि बीजेपी अपने ढंग से तैयारी कर रही है, अति पिछड़े और अति दलित जब तक आप नहीं तोड़ सकते उससे, तब तक आप तमाम गठबंधन कर ले, आप उसको नहीं हरा सकते हैं। अब उसके लिए इनको लगना होगा, पिछले लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में आप मनीष जी बैठे हैं, मैं लगातार कहता रहा कि साहब जमीन दूसरी कुछ कह रही है, यहाँ कोई दूसरा कह रहे हैं, और वही परिणाम सामने आया, आप नहीं हरा पाए उनको। तो आपको लड़ना पड़ेगा उन वोटों के लिए जो अब आप मुलायम सिंह जी के जमाने को याद करिए, तब अति पिछड़ा उनके साथ था, अब वो उतनी मजबूती से मोदी के साथ जुड़ गया है जाके, अति दलित मोदी के साथ जुड़ गया है जाके, क्या विपक्ष इस वोट को ला पाएगा, इस वोट को वापस पा पाएगा? ये लड़ाई शुरू होनी है और ये लड़ाई अब जो है, अब एक साल बचा है, ये सब यदि जो भी परिवर्तन होंगे एक साल में हो जाएगा। कारण क्या है कि एक साल में बीजेपी जो है अपने सारे पत्ते चलेगी और विपक्ष को भी अधिकार है कि वो सारे पत्ते चले, और वो चलेंगे भी। अब ये देखना होगा कि जो बीजेपी ने अपना मजबूत किला बनाया है अति पिछड़े अति दलित का, वो क्या विपक्ष तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा तो उत्तर प्रदेश में उसको हिलाया नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल, मेरे पास समय की कमी है मनीष जी, अगर आप 10 सेकंड में कुछ बताना चाहें तो बताइए। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी गठजोड़ की बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ सपा की बात कर रहा था, और जो आदरणीय ब्रजेश जी कह रहे हैं मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि मैं बार बार कहता रहा कि हमें ओबीसी को वॉच करना होगा कि वो किधर जा रहा है, और अंत में यादव छोड़कर जो बहुतायत ओबीसी था वो चला गया भाजपा के साथ। जी जी, जी बिल्कुल। राकेश जी, एक फाइनल कमेंट, क्या धरना प्रदर्शन से वोट बैंक बढ़ता है? क्योंकि आपकी पार्टी जब विपक्ष में थी तब धरना प्रदर्शन करती थी, बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा, समय की कमी है।
नहीं, निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन जब जनता के मुद्दों के जनता के साथ किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन धरना प्रदर्शन के नाम पर रस्मदाइगी की जाएगी, धरना प्रदर्शन के नाम पर आप संकेत केवल प्रदर्शन करने का काम करेंगे पार्टी वर्कर्स को केवल लेकर के, तो निश्चित तौर पर उसका कोई असर नहीं होगा। वो धरना प्रदर्शन जिसमें जनता के मुद्दे हो, जनता स्वतः स्फूर्त साथ में जुड़ जाए, खड़ी हो जाए, तो निश्चित तौर पर उसका असर होता है, जनाधार बढ़ता है। लेकिन जैसा समाजवादी पार्टी कर रही है ये केवल रस्मदाइगी है, और ये तर्क करना कि पुलिस ने रोक लिया, मैं मानता हूं ये समाजवादी पार्टी का आज का स्वर है, ये मुलायम सिंह यादव जी के समाजवादी पार्टी का स्वर नहीं हो सकता था। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप जनता के लिए जनता के साथ आंदोलन करेंगे तो फर्क पड़ेगा। आज की तारीख में राहुल गांधी जी जनता के लिए जनता के साथ सड़क पर चल रहे हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली इतनी लंबी यात्रा है जो महंगाई के खिलाफ है, व्यवस्था के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अत्याचार के खिलाफ है। ये अपने आप में एक लगातार आत्मीयता का जुड़ाव है, और मुझे लगता है कि ये 2024 के सीनियर से लेकर के नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है। जी बिल्कुल। रविदास जी आपका फाइनल कमेंट क्या है, क्या धरना प्रदर्शन से आपका वोट बढ़ेगा? हम लोग जनता के सुख दुख में, उनके कष्ट में, निश्चित रूप से हम जनता के दुख में, उनके कष्ट में, उनकी परेशानी में, उनकी समस्या में उनके साथ खड़े हैं, और जब समय आएगा तो जनता हमारे साथ खड़ी मिलती है। हम जब लोग संघर्ष करते जनता के लिए, और जब चुनाव हो रहे थे हमारे क्षेत्र में जो 5 साल के मंत्री थे आज डिप्टी सीएम हैं, वो क्षेत्र छोड़ करके यहाँ से इसीलिए भाग गए कि जनता हमारे साथ खड़ी हो गई थी। जनता संघर्षों में हम लोगों के साथ खड़ी होती है, हम जनता के सुख दुख कष्ट परेशानी में उनके साथ हैं, और उनके लिए संघर्ष करने का काम करेंगे, चाहे कितना भी हमारे ऊपर दमन जुल्म। जी बिल्कुल बिल्कुल जी रविदास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रविदास जी, शैलेंद्र तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी आपका शुक्रिया, ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस बहस से कुछ बातें निकल कर सामने आई, और जो कि गंभीर बातें थी, गंभीर इसलिए थी क्योंकि लोकतंत्र में जो चुनाव की प्रक्रिया है, जब वो पास आने लगती है तो मुद्दे बहुत तेज़ी पकड़ते हैं। अब देखना ये होता है कि उन मुद्दों में जनता का कितना सरोकार है, जनता के कितने हित छुपे हुए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो लड़ाई है वो जिस तरह से चर्चा हो रही थी, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक ब्रजेश जी और बाकी लोग चर्चा कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि ओबीसी वोट बैंक, जिसके पास जितना ज़्यादा आएगा उसको फ़ायदा होगा, ओबीसी वोट बैंक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, या फिर दूसरे वोट बैंक की भी बात की जाती है। लेकिन अगर ये लड़ाइयाँ वोट बैंक के साथ चलेंगी तो फिर जनता के हितों की रक्षा उतनी नहीं हो पाएगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें जनता के हितों की बात होगी और जनता के लिए वोट किया जाएगा और उनके मुद्दों पर ही वोट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।